सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए बिल्कुल न्यू ट्रेंड ला चुका हूँ। अगर आप भी इस तरह का इमेज जनरेट करना चाहते हैं और साथ ही आप इसमें अपने फेस को भी ऐड करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। सो वीडियो में बने रहना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, आपको सबसे पहले चले आना होगा गूगल क्रोम पर और आपको इस तरह से इमेज जनरेट कर लेना होगा। सो आपको गूगल क्रोम पर आने के बाद सिंपली सर्च कर लेना होगा बिंग। सो जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ढेर सारी वेबसाइटें ओपन हो जाएंगी। सो सिंपली आपको इसमें से सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना होगा। सो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड गाइज, अब इसमें इमेज क्रिएट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट लिखना होगा। सो हमने टेक्स्ट को ऑलरेडी कॉपी कर रखा है जिसे हमने पेस्ट कर दिया है। एंड गाइज, अगर आप इसे टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो आपको यह टेक्स्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसे टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। एंड गाइज, अगर आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप सिंपली मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 20 ईयर ओल्ड की जगह पर आप कोई भी ईयर ले सकते हो और यहाँ पर आप इस नेम को कट करके अपना नेम लिख सकते हो। सो इतना कर लेने के बाद आपको सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइज, जब तक इमेज जनरेट हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो गाइज, आप देख सकते हो कि हमारे सामने इमेज जनरेट होकर आ चुका है। सो आपको जिस भी इमेज को डाउनलोड करना है, सो सिंपली आपको उस इमेज पर क्लिक कर लेना होगा। सो आपको उस इमेज के नीचे 3 डॉट का आइकन मिल जाएगा। सो सिंपली आपको इसे 3 डॉट के आइकन पर क्लिक कर देना होगा तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप सिंपली इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, अब आप इसको इस इमेज में अपने फेस को ऐड करना है तो आपको बैक चले आना है और आपको यहाँ से गूगल पर आकर सर्च कर लेना है रीमेकर AI। सो फ्रेंड्स, जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो सिंपली आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सो गाइस, यहाँ पर आपको फेस स्वैप का ऑप्शन दिखाएगा और मल्टीपल फेस स्वैप का ऑप्शन दिखाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप एक फेस को ऐड कर सकते हो और यहाँ पर आप 2 फेस को ऐड कर सकते हो और यहाँ पर आप वीडियो में भी अपने फेस को ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप AI फेस को भी जनरेट कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर इतने फीचर दिए हैं। सो गाइज, आपको एक फेस ऐड करना है तो सिंपली आपको इसे फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना होगा। सो जैसे आप फेस स्वैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन दिखाएगा, मतलब कि आपको जिस इमेज अपने फेस को ऐड करना है यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा। और इस यहाँ पर अपलोड स्वैप इमेज, मतलब यहाँ पर आपको अपने इमेज को अपलोड करना होगा। सो गाइज, यहाँ पर हम सबसे पहले जिस इमेज में फेस को ऐड करना है उसको अपलोड कर लेते हैं। सो यहाँ जैसे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इमेज ओपन होकर आ जाएगा। सो सिंपली आप उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर अपने फेस को ऐड कर लेना है। सो गाइज, यहाँ पर हम फेस को ऐड करने के लिए एक इमेज को ले लेते हैं, आप भी अपने इमेज को ले लेना। सो गाइज, हमने यहाँ पर फेस को ले लिया है। अब आपको सिंपली स्वैप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सो जैसे आप स्वैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह फेस स्वैप होने लगेगा, अर्थात आपके इमेज में आपका फोटो ऐड होने लगेगा। सो कुछ सेकंड वेट करना। सो गाइज, अब आप देख सकते हो कि इस इमेज में हमने जिस इमेज की फ़ोटो का ऐड किया था वह ऐड हो चुका है और अब ये इमेज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। सो सिंपली आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सो यह इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड गाइज, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी एंड क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।